इस बार हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो शहर भर से गोबर इकट्ठा करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम घरों में फूलों के लिए खाद के रूप में करते हैं। वो अपने हाथों से अपनी गाड़ी को घसीटते हुए चलाते हैं। हमने उनसे बात की और जाना कि कैसे वो अपनी गुजर बसर करते हैं। ये जो खुददारी का मैला सा गौछा है मेरा, मैं अगर इसे बेच दूं तो कई कारें आ जाएं। मुनव्वर राना साहब की ये लाइन इन जनाब पे बिल्कुल सटीक बैठती है। लाइव टुडे की मुहिम एक जीवन ऐसा भी में आज हम आ चुके हैं लखनऊ के चौक इलाके में, जहां हम आपको आज सुनाएंगे एक तांगे वाले की कहानी कि कैसे वो मेहनत करके अपना गुजर बसर करते हैं। जी क्या नाम है आपका? जय किसान। कब से आप ये तांगा चला रहे हैं? 20 साल हो गया, 20 साल से चला रहे हैं। 200-400 रुपये कमा लेते हैं आराम से, अपना और घोड़े का खर्चा सब चल जाता है। कितनी कमाई हो जाती है और इस घोड़े में कितना लगता है? घोड़े में कम से कम 200 रुपये का खर्चा आता है और 100-200 अपने के बच जाते हैं। दिन भर में 100-200 रुपये सिर्फ, कैसे घर चलता है आपका? कौन कौन है परिवार? उसी में एक लड़का एक लड़की है और हम हैं, अब बस उसी में चलाते हैं खर्चा। और क्या, उसमें बस उसी में बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उसी में सब खर्चा चलाते हैं। कभी 200 मिल गए, कभी 300 मिल गए, कभी 400 मिल गए, इस तरीके से खर्चा चलाते हैं। मतलब कोई ठिकाना नहीं है, किसी भी दिन कुछ कमाई हो जाती है, कोई एक फिक्स्ड कमाई नहीं है आपकी? कोई कमाई नहीं। तो कैसे घर का खर्चा चलता है? खर्चा इसी में चलाते हैं, दाल रोटी खाते हैं किसी तरीके से, बस इसी तरीके से। हमको कौन गवर्नमेंट देती है तनख्वाह, अपनी तनख्वाह के बदौलत चलते हैं, और कौन काम है हमारा, बस इसी में तांगा चलाने का शौक़ है। यहाँ शाही सवारी आराम से बैठाते हैं, घुमाते हैं, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, ये सब घुमा के लाद के घुमाते थे। यहाँ चौक इलाके में आप शाही सवारी कराते हैं, लोगों को लखनऊ के बारे में दिखाते हैं। इससे पहले आप क्या काम करते थे, आपके पिताजी क्या काम करते थे? पहले हमारे पिताजी भी घोड़ा चलाते थे, वो भी खड़खड़ा चलाते थे, वो मंडी से कमाते थे, अब हम यहाँ से कमाते हैं। सुना इनकी कहानी कि ये किस तरह से नवाबों की नगरी में लोगों को शाही सवारी कराते हैं और अपनी मेहनत से अपना और अपने परिवार वालों का पेट भरते हैं। किसी के आगे इन्होंने कभी हाथ नहीं फैलाया, कभी कोई हेल्प नहीं मांगी, सरकार से भी इन्हें कोई मदद नहीं मिली, लेकिन इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है इस बात की। ऐसे ही हम आप तक लोगों की आवाज़ पहुँचाते हैं कि किस तरह से मेहनत करके अपना गुजर बसर करना चाहिए, अगर कोई भी स्थिति हो हमें उस सलाम करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद शाही के साथ शालू अवस्थी, लाइव टुडे लखनऊ।